अभी तक घूम ही रहे हो, आपने नहीं मिला क्या वो रुमंडवा आपके पास में तो नहीं है सर जी? जो हमारा रुमंडवा है वो खो गया इस मेले के अंदर, इसलिए हम इस रुमंडिया को ढूंढने के लिए आपके पास में आए हैं सर जी। आपके पास में तो नहीं है हमारा रुमंडवा। बताओ बताओ भाई किसके पास है रोबोट, जल्दी बताओ इनका। अरे आपके पास है क्या? नहीं नहीं रोबोट आपके पास है क्या? नहीं नहीं ऐसा ही लग रहा है इनके गोले में तो नहीं चल गया है। अरे यार रोबोट रोबोट खाए।
दोस्तों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं और मेले का आगाज हो गया है। दोस्तों देखिए आप मेरे पीछे, जैसा करते वैसे आप भी करके बताओ। यस प्लीज, योर गुड नेम जस्सी। Yes, I'm Jessie. Where are you from? I'm from the US. Where are you feeling now in Rajasthan? How's feeling? Huh? In Rajasthan? Rajasthan? Oh, I like it a lot. It's beautiful. Very good, thank you. मेरा नाम यशिका है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मैं FO स्कूल से आई हूँ। अभी आप किसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? अभी राइट नाउ आई एम पार्टिसिपेटिंग इन महिंद्रा एंड मोबल कॉम्पिटिशन। वेरी गुड, शानदार। और कुछ बताना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ और सबकी हेल्प है। मेरे टीचर्स, मेरी मदर है, मेरे स्कूल से मेरे भाई आया है और दो बच्चे भी आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, आप जीतेंगे 100%? लग तो यही रहा है, सबके विशेष भी साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल, सबके विशेष आपके साथ में है, आप जरूर बनेंगी, है ना? थैंक यू। आपकी मम्मा जी क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए कुछ। I am teacher in FO school Jaisalmer. We have tried our best. Very good. And we are hoping ki our school will stood first in this competition. And in fact, from last 4 years, FO school Jaisalmer is getting first position in this competition. That is Mumal Mahindra. Yeah. So we are hoping this time also. Very good. Best Thank you so much. Yes, I am her mother and I am also teacher in FO school. Okay. And it is our combined effort. As you can see, that is why. And this is Mumal, my daughter, Yashika okay. Shukla, and that is our Mahendra. Shaurya Mittal. Achha, Shaurya Mittal Mahendra. Okay, best of luck. Thank you so much. Haan ji sir, kuch inke bare mein bataiye aap. ये है महेंद्रा जी और उस साइड मुकमल है मैम, उस साइड। अच्छा अच्छा जी, झलकी है, पिछली बार प्रथम स्थान था। अच्छा अच्छा, और आशा है कि आपकी बार भी प्रथम स्थान होगा। अच्छा, कुछ बताइए अपने बारे में। तमन्ना मेरा नाम। हाँ, थोड़ा जोर से कैमरे में आवाज़ भी आनी चाहिए। तमन्ना हाँ जी, करने वाले स्कूल से। हाँ जी जी, और मुकमल मैंने जैसलमेर से। और कुछ कहना चाहते हैं आप? मुमल बन के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलो बेस्ट ऑफ। हाँ जी बताइए, आप अपने बारे में परिचय दीजिए। नाम यशुलाल माली है, पाली जिले से है और कॉम्पिटिक्स में भाग लिया। वेरी गुड, शानदार सर। और कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं व्हाइट टाटी का हूँ। वैसे देखो व्हाइट टाटी का यहाँ कोई नहीं नजर आ रहा है। हाँ जी, मुझे लगता है डेजर्ट में ही बनूंगा। वेरी गुड, शानदार सर। आप बताएं कुछ सर? सर मैं पाली जिले से हूँ। हाँ जी, पाली राजस्थान से। हाँ जी, और हमारे पूरा पाली बीएड क्लब बना हुआ है। हाँ जी, पाली बीएड क्लब में हमारे 40 मेंबर है। हाँ जी, और 40 मेंबर में से हम पार्टिसिपेट करने के लिए हमारा अभी 8 जन आए हैं। अच्छा, 8 जन यहाँ आए हो ना। हाँ सर। वेरी गुड, क्या कहना चाहते हैं सर आप? बस यही है कि मिस्टर डेजर्ट जो भी बने हमारा पाली जिले से बने। अच्छा, ऐसा ही क्या? चलो बहुत बहुत बधाई सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत शानदार।
हाँ, मेरा नाम प्रकाश चंद जहांगीर है, मैं पाली राजस्थान से हूँ। और ये जो प्रोग्राम है मरुश्री मरु महोत्सव, जिसमें मैं मिस्टर डेजर्ट के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। और ये प्रतियोगिता राजस्थानी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए है, प्राय हर वर्ष टूरिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। उसके लिए मैं टूरिस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा, अब ये आपने जो पहन रखा है ज्वेलर वगैरह, इसको बोलते हैं, ये जो धोती है इसको टेवटा बोलते हैं, टेवटा, ये टेवटा इस तरह से पहना जाता है। और ये है मोजड़ी, देसी मोजड़ी है, फुल देसी मोजड़ी, और इसको बोलते हैं थैली। थैली इसके अंदर राजस्थान के लोगों के लिए सामान डालने का एक ही होता है। ये है वो पाँव में जाते हैं ना खेत में वगैरह, कांटा घुस जाता है उसको निकालने के लिए। अच्छा अच्छा, कांटा, हाँ कांटा निकालने के लिए। इसको बोलते हैं चूड़। अच्छा, ये है भुजबन, ये चूड़ है, ये चूड़ है। अच्छा, ये चूड़ा है, चूड़ा, चूड़ बोलते हैं, चूड़ा नहीं है, चूड़ बोलेंगे, हाँ चूड़ है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं भुजबन। ओके, इसको बोलते हैं पिट्ठू। अच्छा, ये पिट्ठू है, हाँ। इसको कमरबंद, ये कमरबंद हो गया, ये हो गया, हाँ घंटा बोलते हैं, ये वो शेर के नाखून का बना हुआ पेंट, इसको हाइनी बोलते हैं, हाँ। और इसके ये है कौड़ी। अच्छा, ये कौड़ी है, ये कौड़ी है, कौड़ी में हाथी जाए रहो, हाँ कौड़ी में हाथी, अपने कौड़ी नहीं बहते क्या क्या जे में बनी फूटी कौड़ी है तो भाई हाले डॉडी, एक मारवाड़ी में कहावत है, पियो कौड़ी, पियो नहीं कौड़ी भाई बन डॉडी, पियो जब हो जेब में पैसा, लोग पूछते भाई कैसा, हाँ सही बात है, जब नहीं पैसा तो फिर भाई तू कौन और कैसा, तू कौन और कैसा, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या कहता है ना, क्या इसको इंग्लिश में बोले, जेब में मनी, हाँ हाउ आर यू, और जेब में अगर नो मनी तो हु आर यू, हाँ ये बात है, जेब में पैसा है तो हु आर यू, बाकी हु आर यू। और एक मेरे पास इसमें है कुछ, जैसे इसमें चिलम वगैरह ऐसे रखी जाती है ग्रामीण अंचल में, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि नशा में फंस जाओ मती, नशा कर जाओ मती, बेमौत मर जाओ मती, मेरा ये कहना है। लेकिन ये राजस्थानी परिवेश का है, इसलिए इसको धारण इसमें काफी कुछ सामान है, इसमें चिरमी, चिरमी तक भी है मेरे पास। अच्छा, चिरमी भी रख रखी है इस पूरे इलाके में, इसमें पूरे डेजर्ट में किसी के पास चिरमी नहीं होगी। अच्छा, आप चिरमी दिखाओगे, चिरमी जैसी होती है दिखा सकते हैं, चिरमी बिल्कुल, चिरमी दिखाई है सर आप बिल्कुल। और चिरमी का आपने सुना भी होगा कि हमारे चिरमी का डाला चिरमी है। देखो सर, अपने को चिरमी दिखाना चाह रहे हैं, ये चिरमी, और ये देखिए आप, ये चिरमी है, ये चिरमी, ये कभी नहीं देखी हो चिरमी आपने, देख लो राजस्थानी संस्कृति में, गाने बहुत सुने होंगे आपने चिरमी के, श्रृंगार के अंदर इसका बहुत ही, इसके इसके ऊपर श्रृंगार के गीत भी लिखे गए हैं, बिल्कुल चिरमी ने डाला चार बारी बारी चिरमी, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। राजस्थानी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, राजस्थानी कल्चर के बारे में क्या बता रहे हैं आपका, और टूरिस्ट डिपार्टमेंट का, मेरा आयोजक सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद, बहुत हमारे देश हम आगे। तो आप 2020 के हैं सर? अच्छा सर, क्या बताना चाहते हैं सर आप, कुछ हम बताना चाहते हैं, आप जो भी पूछेंगे वो बता देंगे, इस प्रतियोगिता के बारे में बता सकते हैं, मेले के बारे में बता सकते हैं, हमारी संस्कृति के बारे में बता सकते हैं, जो भी राजस्थानी कल्चर के बारे में, आन बान शान की ये प्रतीक दाढ़ी और मूंछ है, घुमावदार मूंछ है, शानदार ये दाढ़ी का इस प्रकार का, और इस तरह से मेकअप करना, और इस तरह से तो हमें बहुत बड़ा गर्व अनुभव होता है कि हम इस तरह के विजेता, मैं 2020 का विजेता हूँ और 2022 का आप विजेता है, तो हमें बहुत गर्व का अनुभव होता है कि राजस्थान की आन पान शान की प्रतीक ये मूंछों को और हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हैं, और हम सबको ये एक संदेश देना चाहते हैं कि आप ही कम से कम दाढ़ी पूछे तो भारतीय रखो, तो इससे थोड़ा लगे, BSF के जितने भी सैनिक है यहाँ आए हुए हैं उनके सबके मूछे रखी हुई है सताड़ा, तो उनको तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम आपसे हमारे देश की संस्कृति और परंपरा को बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। वेरी गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कुछ बताना चाहते हैं सर? सभी को नमस्ते, खम्मागणी जय माता दी, मैं तरुण शर्मा, मरुश्री 2022 यहाँ जैसलमेर की नगरी में डेजर्ट कंपटीशन में मरु महोत्सव में आके ऐसा अनुभव होता है कि पूरा राजस्थान यहाँ एकत्रित हो गया है, और सभी दाढ़ी मूछ वाले जो हमारे बियर्डो हैं उनको रेडी होने में ज्वेलरी से लेके कपड़ों से लेके काफ़ी कुछ तैयारियां करनी पड़ती है जो काफ़ी सालों से चलती है वो, और करीबन 4-5 साल बाद ये यहाँ आके इस मूवमेंट पे आते हैं, और सबको बहुत गर्व होता है यहाँ आके। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। असी थाम लिए राणा सांगा,
तो प्रताप संघ चेतक के किससे? क्या बात है, क्या बात है, ये है हमारा राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान और अतुल्य भारत हिंदुस्तान, जय जय राजस्थान। और मित्रों, राजस्थान की बात करें और मूंछ की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो साहब, हम चलते हैं अगली प्रतियोगिता की तरफ, जो है मूंछ प्रतियोगिता। और मूंछ प्रतियोगिता के जो प्रतिभागी हैं, उन्हें मैं निवेदन कर दूं। मैं प्रीति चांडक, जैसलमेर के ऋषि कृष्ण खम्मागढ़। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जैसलमेर फेस्टिवल राजस्थान का जैसलमेर जिले का सबसे फेमस है। ये जो त्यौहार है, इससे जो उमल और महिंद्रा की जो प्रतियोगिता होती है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सभी लोग भाग लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हो, उमल राजपूत सभी रहने यहाँ।